नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अचानक से खबर आती है कि चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी रविंद्र जडेजा छोड़ रहे हैं और वो महेंद्र सिंह धोनी को फिर से कप्तानी हैंडओवर कर रहे हैं, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ क्यों दी। फिलहाल सब यही कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा ने कप्तानी इसलिए छोड़ी क्योंकि टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब था और रविंद्र जडेजा भी दबाव में बिखर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने जब कप्तानी छोड़ी तो वो बिल्कुल भावुक हो गए और कहते हैं कि रविंद्र जडेजा रो पड़े कप्तानी छोड़ते वक्त। जी हाँ, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने उन पर जिम्मेदारी दी थी वो उसको निभा नहीं पाए, इसीलिए रविंद्र जडेजा कप्तानी छोड़ते वक्त भावुक हो गए और धोनी को जब उन्होंने कप्तानी हैंडओवर की तो उन्होंने साथ में एक संदेश भी दे दिया कि कप्तानी उनके बस की बात नहीं है। सीएसके ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है उस बयान के आधार पर बखूबी समझा जा सकता है कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा कप्तानी के दबाव में परेशान थे और उन्होंने जब कप्तानी छोड़ी तो वो कितने भावुक हो गए थे। सीएसके की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि रविंद्र जडेजा ने कप्तानी क्यों छोड़ी है। स्टेटमेंट में साफ तरीके से बताया गया है कि आखिर रविंद्र जडेजा ने फैसला क्यों लिया है। फिलहाल आप सभी भी जानना चाहते होंगे कि रविंद्र जडेजा ने आखिर कप्तानी छोड़ी क्यों है, तो चलिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सीएसके की तरफ से आया है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि जड्डू ने कप्तानी क्यों छोड़ी। जड्डू की कप्तानी छोड़ने पर सीएसके ने स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में कहा गया, रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर और ज़्यादा फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने एमएस धोनी से सीएसके की कप्तानी करने का निवेदन भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा ने कप्तानी छोड़ी और महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार फिर से ये जिम्मेदारी संभाल लीजिए क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसके बाद धोनी कैसे माने कप्तानी के लिए दोबारा, क्योंकि धोनी अक्सर अपने फैसलों पर अड़िग रहते हैं और वो फैसले पलटते नहीं हैं। फिलहाल इस पर भी स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में धोनी को लेकर सीएसके ने कहा है, एमएस धोनी सीएसके के हित को ध्यान में रखते हुए टीम की कप्तानी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये फैसला इसलिए भी लिया है जिससे जडेजा अपने खेल पर ध्यान लगा सकें। तो ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से उसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा धोनी के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माही भाई प्लीज़ आप फिर से कप्तानी संभाल लीजिए क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। इसके अलावा धोनी से जब सीएसके ने ये पूछा कि क्या आप कप्तानी संभालेंगे क्योंकि अभी और कोई कप्तान नहीं दिख रहा है, ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के हित को ध्यान में रखते हुए कप्तानी संभालने की जिम्मेदारी फिर से उठाई और उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया। फिलहाल आपको बता दें कि इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स बेहद ही खराब प्रदर्शन कर रही है। 8 मुकाबले चेन्नई खेल चुके हैं जिसमें से 6 मुकाबले में हार मिली है, केवल 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स जीत पाए हैं। अब ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के जो बचे हुए 6 मैच और हैं वो सभी मुकाबले चेन्नई को जीतने हैं तभी प्लेऑफ में टीम पहुंच पाएगी। फिलहाल आज मुकाबला होगा सनराइज हैदराबाद के खिलाफ और महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से यह खबर सामने निकल कर आई कि कप्तानी छोड़ते वक्त रविंद्र जडेजा काफी भावुक हो गए और वो रो पड़े, महेंद्र सिंह धोनी से निवेदन करते हुए उन्होंने कह दिया कि कप्तानी मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज भाई आप फिर से ये जिम्मेदारी संभाल लें, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।